नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दीप क्लासेज में। मैं विकल्प कुमार एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। पिछले वीडियो में हमने विश्व भूगोल को शुरू किया था और विश्व भूगोल में भी हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोग अपने आकाशगंगा, जिसका नाम मंदाकिनी है, इसके अलावा और आकाशगंगा जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है या जहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो के जितने भी पॉइंट्स थे आप सभी ने सारे के सारे नोट कर लिए होंगे और सारे के सारे ही आपने याद कर लिए होंगे। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। आज आपको पता लगेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, साइरस क्या है, डॉग स्टार क्या है, लुब्धक क्या होता है, इसके अलावा ओरियन नेबुला क्या है, एंड्रोमेडा क्या है, जो भी आपके डाउट्स है सब आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आकाश गंगाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में आकाश गंगाओं की आकृति से संबंधित। आकाश गंगाओं को उनकी आकृति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका सर्पिलाकार, दूसरा आपका दीर्घवृत्ताकार, और तीसरा होता है आपका अनियमित आकार, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है सर्पिलाकार की कुछ ऐसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है। दीर्घवृत्ताकार की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है और अनियमित आकार की कोई नियमित आकृति नहीं होती है। तो क्वेश्चन से आपसे ये बना हुआ है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली समस्त आकाशगंगाओं में सबसे ज्यादा किस आकृति की आकाशगंगाएं पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली समस्त आकाश गंगाओं में सबसे ज्यादा कौन सी आकृति की इनमें से आकाश गंगाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर है सर्पिलाकार। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आकृति है, सॉरी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, उनमें उन सभी का 80% आकाश गंगाएं सर्पिलाकार के आकृति में मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा जी? सर्पिलाकार। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा हमारी मंदाकिनी, जिस मंदाकिनी में सौरमंडल का निवास है, जिसमें सौरमंडल विद्यमान है, उसमें आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। तो अब हम लोग मंदाकिनी के बारे में पढ़ेंगे। यहां से एक क्वेश्चन यही बना हुआ, हमारी आकाश गंगा जिसमें सौरमंडल विद्यमान है या हमारी पृथ्वी भी विद्यमान है, उसका नाम है मंदाकिनी। इसकी आकृति सर्पिलाकार है, उसको मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूं। कुछ इस तरीके से इसकी आकृति है हमारी मंदाकिनी की सर्पिलाकार। ये इसकी प्रथम भुजा है, ये इसको प्रथम ही बोलते हैं पहले वाली, ये द्वितीय है, या इसी को हम बोलते हैं मध्यवर्ती के नाम से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये आपकी तृतीय भुजा यानी कि तीसरे वाली भुजा है। हमारे मंदाकिनी का जो केंद्र है इसको बोलते हैं बल्ज, इसको बोलते हैं बल्ज। इसके अलावा मंदाकिनी के सेंटर में या मंदाकिनी के केंद्र में एक होल स्थित है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर भी बोलते हैं, कृष्ण विवर, आप लोग नोट कर लीजिएगा कृष्ण विवर। स्टार्टिंग में आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने, जब हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का संचयन होता है तो वे ही आपके बादल गैस के पिंडों के रूप में, झुंडों के रूप में होते हैं, और उन्हीं पिंडों से आपका तारों का निर्माण होता है, और आकाशगंगा तारों का एक समूह होती है। तो आकाशगंगा में कैसे तारे बनते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग में, हमारे आकाशगंगा में यानी कि मंदाकिनी में तीन घूर्णनशील भुजाएं हैं,
एक दो तीन, या कैसे भी कहीं से आप नोट कर लीजिएगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, किधर से भी आप लोग देख लीजिएगा, तीन तीन गुणनशील भुजाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इसमें हमारी मंदाकिनी में कितनी भुजाएं हैं, तो तीन गुणनशील भुजाएं। जब किसी तारे का जो निर्माण होता है मंदाकिनी में किस प्रकार होता है उसको समझिएगा। जब कोई तारा बनता है, यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस के बादलों का संचयन होना शुरू होता है और उसके बाद ये पिंडों से तारों का निर्माण होता है, तो सबसे पहले तारों का निर्माण यहाँ होता है, इस स्थिति में तारों का निर्माण होता है। और यहाँ जो तारों का निर्माण होगा इनको हम बोलते हैं भ्रूण तारे, भ्रूण तारे, या इसी का नाम है नवजात तारे, नवजात तारे। जैसे जैसे तारे अपने एज में आगे की तरफ बढ़ते हैं ऐसे ये थोड़ा बड़े होते चलते हैं, और जैसे आपके मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में आ जाते हैं, यानी कि बीच वाली घूर्णनशील भुजा में आ जाते हैं, तो इनको ये कहलाते हैं युवा तारे या नौजवान तारे। जैसे हमारा एक तारा है सूर्य, सूर्य की स्थिति कुछ यहां को है, सूर्य बिल्कुल संतुलन में है, सन की स्थिति क्वेश्चन यहां से बना हुआ है कि सूर्य हमारी मंदाकिनी के किस घूर्णनशील भुजा में स्थित है, तो आपकी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। तो सूर्य एक क्वेश्चन जब बना कि सूर्य कैसा तारा है, सूर्य एक युवा तारा है, नौजवान या युवा तारा है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सूर्य कैसा तारा है, ऑप्शन में आपको मिल सकता है प्रौढ़ तारा, यानी कि वह बूढ़ा तारा, इसके अलावा भ्रूण तारा, नवजात तारा, या आपसे पूछ सकते हैं कि युवा तारा, तो आपका आंसर क्या होगा युवा तारा। जैसे जैसे तारों का निर्माण होता जाता है एक समय ऐसा आता है जब तारे अंदर की तरफ ब्लैक होल की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, और यहां तक आते आते तारों की हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, उसमें कुछ मात्र हीलियम बचा रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब तारे अपने हीलियम भी खोने लगते हैं, और उसके बाद उनको टूटे हुए तारे बोलते हैं, और ये ब्लैक होल के अंदर समाहित हो जाते हैं। ब्लैक होल की थ्योरी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, ब्लैक होल में टूटे हुए तारे समाहित होते हैं। अब जो ये सूर्य है, सूर्य के पास एक तारा यहाँ को पड़ता है जिसका नाम है प्रोक्सीमा सेंचुरी, प्रोक्सीमा सेंचुरी। इसकी क्या क्वालिटी है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। हमारे ब्रह्मांड का, सॉरी हमारे मंदाकिनी का सौर मंडल के सबसे नजदीक जो तारा है यही है। क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक कौन सा तारा स्थित है, तो कौन सा तारा है जी, प्रोक्सीमा सेंचुरी। इसके बाद एक तारा और आगे की तरफ यहां को पड़ता है, इस तारे का नाम है साइरस, या इसको बोलते हैं डॉग स्टार, डॉग स्टार। इसकी क्या क्वालिटी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे ब्रह्मांड हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस अथवा डॉग स्टार। और दूसरा इसी का फैक्ट बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा, पहले वाला तो प्रोक्सीमा सेंचुरी है, लेकिन दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा आपका साइरस या डॉग स्टार है। या कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सूर्य का सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, और वहां ऑप्शन में प्रोक्सीमा सेंचुरी ना हो, तो आप किस पे जाओगे, साइरस या डॉग स्टार पे जाओगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बना हुआ है, साइरस का संस्कृत में नाम क्या है, तो एक नाम है साइरस का लुब्धक। इसको साइरस ना कहकर के कहीं कहीं आपको क्वेश्चन लुब्धक के नाम से भी मिल सकता है, तो लुब्धक आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, आपको वहां प्रोक्सीमा सेंचुरी हो सकता है, इसके अलावा ओरियन नेबुला हो सकता है, और भी आपसे कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, और ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका लुब्धक के रूप में भी हो सकता है। तो साइरस अथवा डॉग स्टार का दूसरा नाम या संस्कृत में इसको बोलते हैं लुब्धक। तो इसकी क्वालिटी क्या बताई आपको, ये सबसे चमकीला तारा है और प्रोक्सीमा सेंचुरी के बाद दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा है सौरमंडल का। इसके बाद एक तारा और यहाँ को पड़ता है जिसको बोलते हैं ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला।
इसकी क्या क्वालिटी है, इसका क्या क्वेश्चन संबंध है, उसको सुनिए ध्यान से। ओरियन नेबुला हमारे मंदाकिनी का सबसे शीतल तारा है। ओरियन नेबुला हमारे मंदाकिनी का सबसे ठंडा अथवा शीतल तारा है। तो क्वेश्चन इसका भी एग्जाम से कई बार आया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो और बनता है, जो सूर्य है हमारे मंदाकिनी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है। तो सूर्य हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, 25 करोड़ वर्ष। और इसी समय को सौर वर्ष के रूप में जाना जाता है। सौर वर्ष इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। तो सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर आपका 25 करोड़ वर्षों में लगाता है और इसी को हम सौर वर्ष के रूप में जानते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक स्थित जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो एक आकाशगंगा यहां को स्थित है, फिगर में आपको बना रहा हूं, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा या इसी को बोलते हैं देवयानी। देवयानी करके भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि एंड्रोमेडा या देवयानी आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी से बड़ी है, लेकिन यहाँ छोटी करके इसलिए बनाई है क्योंकि फोकस हमारा अपनी मंदाकिनी पे ही है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहाँ से ज्यादा बनते हैं। तो क्या होता है आपको, हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा या हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक स्थित मंदाकिनी, सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा या उसी का नाम है देवयानी। तो आपको बताया कोई भी तारा यहां से बनना शुरू होता है, जब तारा जन्म लेता है उसको बोलते हैं नवजात तारा या भ्रूण तारा। जैसे जैसे तारा मैच्योर होता है उसको आगे चल करके जब वह अपनी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में आता है, यानी कि मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में आ जाता है, उस समय उसको बोला जाता है युवा तारा अथवा नौजवान तारा। और इसके बाद आगे की तरह चलते हुए एक समय ऐसा आता है कि ये अपनी तारा अपनी ऊर्जा में से हाइड्रोजन को खो देता है, कुछ हीलियम बचा रहता है, और अंत में आकर के हीलियम भी उसके पास से ढलना शुरू हो जाता है, यानी कम होना शुरू हो जाता है, और अंत में आकर के वह ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। और ब्लैक होल को हिंदी में बोलते हैं कृष्ण विवर। ब्लैक होल का सिद्धांत आपका वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े भौतिकविद माने जाते हैं स्टीफन हॉकिंस, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था, उनके एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वहां भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। चलिए खैर, इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन और यहां से जो बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे मंदाकिनी यानी कि हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है उसकी घूर्णन गति किस प्रकार है, उसकी घूर्णन गति किस तरीके से है। तो हमारी मंदाकिनी की घूर्णन गति आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये घूम रही है। देख लीजिएगा ऐसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, लेकिन ये आपकी उल्टी उसके विपरीत दिशा में ऐसे घूम रही है। अब एक क्वेश्चन से आप लोग यहाँ भी थोड़ा डाउट हो सकता है आपको कि आकाशगंगा भी अपनी घूर्णन उसकी आकाशगंगा की भी अपनी घूर्णन गति है क्या। हाँ जी है, जब ब्रह्मांड एक जगह एक बिंदु में संकेंद्रित था तो उस समय जब विस्फोट हुआ तो आकाशगंगा दूर की तरफ बढ़ती ही चली गई, लेकिन उनकी भी अपनी एक घूर्णन गति होती हुई चली गई विस्फोट के कारण। इसको एक उदाहरण से अलग से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए एक ईंट का ढेर रखा हुआ है और उसके अंदर आपने डायनामाइट लगा दिया और रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, कुछ दूर जाकर के आपने रिमोट को दबा दिया और उसमें से जब वो ब्लास्ट हुआ तो ईंटें जो ढेर था वे ऊपर की ओर जाएंगी, लेकिन ऊपर की ओर जाने के साथ साथ उनकी ईंटों की भी अपनी गति होगी, ऐसे घूमते हुए ऊपर की ओर जाएगी। तो इसी तरीके से मंदाकिनी की भी अपनी एक गति है, घूर्णन गति, लेकिन उस गति का नाम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वह वामावर्त घूमती है। तो हमारी मंदाकिनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की संभावना है, सारे मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया इनके बारे में, ठीक है। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बस यहाँ से बारह आपसे क्वेश्चन से शायद ही बने। इसके अलावा और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
एक वर्डिंग आती है आपकी तारामंडल, तारामंडल स्टार्टिंग में आपको मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं यहां से जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं सभी को मैं करा रहा हूं, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग सौरमंडल को पढ़ेंगे और उसमें अपनी पृथ्वी भी हमें पढ़नी पड़ती है, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लोग फिलहाल तारामंडल को पढ़ेंगे कि तारामंडल क्या है। बस समझिएगा, हमारे मंदाकिनी के अंदर स्थित व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। हमारे मंदाकिनी के अंदर स्थित व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब डेफिनेशन तो आपसे आनी नहीं है एग्जाम्स में, वहां से क्वेश्चन आपसे ऐसे आ सकता है कि हमारे मंदाकिनी में कुल कितने तारामंडल है। तो हमारे मंदाकिनी में कुल 88 यानी कि 88 तारामंडल है, तारामंडल है। एक क्वेश्चन ये बना हुआ है, हमारे मंदाकिनी का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका आंसर है सेंटारोस। सेंटारोस, सेंटारोस हमारी मंदाकिनी का सबसे बड़ा तारामंडल है जिसके अंदर 94 स्टार्स यानी कि 94 तारे हैं। इस तारामंडल के अंदर सेंटारोस के अंदर 94 तारे स्थित हैं। तो यहां से तो क्वेश्चन आपके या तो इनकी संख्या पूछ सकता है आपसे या फिर इसका नाम पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा, इनसे बार शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। बस आप लोग विश्वास के साथ जितना मैं आपको बता रहा हूं अपनी बुकों को पढ़ते हुए चलिए और कंप्लीट आप टॉपिक यहां से करते हुए चलिए। इसके बाद एक हेडिंग और आती है आपकी नक्षत्र। ये क्या होता है? एक तरह से ये भी आपका तारों का ही समूह होता है, लेकिन बस इसमें क्या है, ये पृथ्वी के चतुर्दिक यानी कि पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। इसकी जो है ये आपके चंद्रमा की कक्षाओं के आसपास पाया जाता है, ठीक है, चंद्रमा के पथ के आसपास से पाया जाता है। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी नक्षत्र क्या होता है, इनकी संख्या आती है। तो पृथ्वी के चतुर्दिक इनकी संख्या आपकी 27 है। संख्या कितनी है जी? 27 है, ठीक है। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, एक पॉइंट में आपके यहां भूल गया हूं, सेंटोरोस तो यहाँ का सबसे बड़ा तारा है, लेकिन कुछ और तारामंडल जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और भी मैं आपको बता रहा हूं उनको भी लिख लीजिएगा। एक आपका तारामंडल है सप्तऋषि। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि सप्तऋषि क्या है, एक तारामंडल का नाम है सिग्नस स्वान, सिग्नस स्वान, और एक मोस्टली और आया हुआ नाम सुना होगा हाइड्रा। हाइड्रा भी एक तारामंडल है। तो ये कुछ तारामंडलों के उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, एक आपका सप्तऋषि, एक आपका सिग्नस स्वान और एक आपका हाइड्रा, लेकिन सबसे बड़ा तारामंडल आपका सेंटारोस है। नक्षत्र आपको बताया इनकी संख्या पृथ्वी के चतुर्दिक 27 है। इसके अलावा आपका एक पॉइंट और बनता है, यहां से आपने नाम सुना होगा क्वासर्स, क्वासर्स ये क्या होता है? क्वासर्स कुछ नहीं है, एक छोटी सी लाइन आप लोग समझिएगा, ये अर्ध तारीय प्रकाश है। अर्ध तारीय यानी कि पूर्णतः तारे नहीं है, अर्ध आधे तारों के रूप में है। तो ये अर्ध तारीय प्रकाश है और ये रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत है। बस ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है कि निम्न में से रेडियो तरंगों का शक्तिशाली स्रोत क्या है, तो आंसर होगा क्वासर से। तो ये अर्ध तारीय प्रकाश है जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत है। बस आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से डिस्कशन किए हैं सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देख लो, सारे क्वेश्चन आपको लगभग लगभग यहीं से मिलेंगे। 99% आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। इन्हीं को आप लोग विश्वास के साथ पढ़ते हुए चलिएगा और सारे के सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा।
पिछले वाली वीडियो में और इस वीडियो में मैंने आपके दो वीडियो बनाई है अभी तक ज्योग्राफी की। इन दोनों वीडियो में अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओगे तो आपको अनगिनत क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब कहने का यह कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ आपको जेन्युइन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ा रहा हूँ आपको। फालतू में ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ कि आपको उनका कहीं उनका प्रयोग भी ना हो। ठीक है जी, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं को समाहित करके लेकर के आया हूँ। बस आप लोग इन्हीं चीजों को पढ़ते हुए चलिए, शायद ही आपसे क्वेश्चंस बचे। वन डे एग्जाम्स में यहाँ से बाहर बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अब से एक मैं आपसे हर वीडियो में एक क्वेश्चन से किया करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रीवियस जो आपको पिछले वाली वीडियो पढ़ाई है उसकी तैयारी आपकी जांचने पर रखने वाली बात होती है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा। इसके कुछ समय बाद ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक दो वीडियो बीच में मैं आपका स्टेटिक जीएस का भी डालने वाला हूँ। स्टेटिक जी के उसमें आपको मिक्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल। ना आपके पास कॉपी होगी ना पेन होगी, विदाउट कॉपी पेन ओनली ऑन रिवाइज के लिए पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। उसमें क्या होगा कि पॉइंट्स कहीं से कुछ भी मतलब सारी जीके तो मैं एक जगह मिक्सअप करके पढ़ाऊंगा। तो पिछले आपका क्वेश्चंस है जो आपका प्रीवियस है पिछले वाले वीडियो में मैंने कराया था। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको चार सिद्धांत बताए थे, चार थ्योरियां बताई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। उन चारों थ्योरियों के आपको नाम बताने हैं और उनके प्रतिपादक यानी कि वे थ्योरी किसने दी है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को इसके आंसर जरूर देने हैं। इससे पता लगेगा कि आप लोगों ने तैयारी कितनी की है ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि आप देख करके बताओगे। दूसरा एक चीज और भी है, अगर आप लोग मान लो चलो देख कर भी बता देते हो कहना कि आपने उन चीजों को रिवाइज किया, क्योंकि वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन उनको अपने जीवन में बहुत कम लोग उतारते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।